नमस्कार। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच अब 20 दिन हो गए हैं। जिस युद्ध के बारे में माना जा रहा था कि वो 5-7 दिन में ज्यादा ज्यादा खत्म हो जाएगा और चीजें बहुत सामान्य तरीके से रहेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और रूस को जो है यूक्रेन बुरी तरीके से टक्कर दे रहा है। और दावा पर यकीन किया जाए तो 13,500 रूसी मारे जा चुके हैं, 404 टैंक ध्वस्त हो गए हैं, इसी तरीके से बख्तरबंद गाड़ियां, रॉकेट लॉन्चर वगैरह वगैरह, और इससे ज्यादा रूस का मेजर जनरल भी मारा गया है। दूसरी तरफ रूस जो है वो हार ना मानने की स्थिति में नैने क्या क्या कर रहा है, बेलारूस से घुस करके यूक्रेन की सीमा पर हो रहे हैं, सीरियाई लड़कों की भर्ती हो रही है, यूक्रेन पर आरोप भी लगाया जा रहा है कि साहब अमेरिका के दास्ता थे, वो परमाणु शक्ति हासिल कर ली है। ये सब ऐसी चीजें इतनी गड़बड़ हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। और इस ये युद्ध जो है वो सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच का ही नहीं है, बल्कि इसका असर दुनिया पर होगा, और थोड़ा बहुत असर जब दुनिया पे होगा तो भारत पर भी पड़ेगा। तो इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कीव से कुलदीप कुमार जी, जिनसे हमने पहले भी बात की है, और वहाँ के बड़े व्यवसायी हैं, हॉस्पिटल्स हैं आपके, और बड़ी हिम्मत शिद्दत के साथ अपने परिवार के साथ कीव में डटे हुए हैं। उनके परिवार ने कह रखा है कि हम कीव छोड़ के नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और उनकी हिम्मत को सलाम किया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ हमारे साथ हैं दिलीप सिन्हा जी, पूर्व राजनयिक हैं, पूरी दुनिया समझते हैं, देखते रहे हैं। बहुत बहुत आप दोनों महानुभावों का स्वागत है नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। दिलीप जी, पहले बातचीत आपसे शुरू करते हैं। क्या आपने ये सोचा था कि ये जो युद्ध का क्रम है ये 20 दिन तक चलेगा और इस हालत में हो जाएगा कि छोटे से देश को में रूस को हराने में इतना टाइम लगेगा और इतनी शिद्दत के साथ यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा है, वो किस तरीके से उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देख रहा है? नहीं, मैंने ये अनुमान नहीं किया था, ऐसी कल्पना नहीं की थी कि यूक्रेन में इतनी शक्ति और इतनी हिम्मत होगी कि वो रूस को इस प्रकार टक्कर दे सके। और रूस जो कि एक जमाने में अभी भी सुपर पावर है, लेकिन एक जमाने में विश्व के दो प्रमुख सुपर पावरों में था, तो उसकी सेना को 20 दिन तक रोक सकता है, जबकि कीव जो है वो मुश्किल से कुछ किलोमीटर दूर है बेलारूस के बॉर्डर से, और पूर्व में खार्किव है जो कि बहुत ही नजदीक है रूसी सेनाओं के। तो रूस इस प्रकार बौखला जाएगा कि उसे अपनी एयर पावर, वायु शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बड़े बड़े मिसाइल दागने पड़ेंगे यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए। इसका अनुमान मैंने नहीं लगाया था, और नहीं मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन ने यह अनुमान किया था कि इस प्रकार का सामना उन्हें करना पड़ेगा, इस प्रकार के विरोध का। और जाहिर है कि जैसे जैसे यूक्रेनी जनता और उसकी सेना मिलकर रूस का मुकाबला कर रही है, वैसे वैसे रूस की बौखलाहट तो बढ़ी रही है, साथ साथ जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं वहां पे वो बढ़ रहे हैं, और 3 मिलियन लोग तो वहां पर रेफ्यूजी बन के बाहर निकल चुके हैं, कई लोग मर चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसकी सहानुभूति पूरी तरह अब यूक्रेन के साथ हो गई है। भारत जैसे देश में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एब्स्टेन किया था वोट पे, लेकिन जैसा मैं मीडिया से देखता हूँ, उसके जो रिपोर्टिंग है, हमारे कई कॉरेस्पॉन्डेंट वहां पर हैं, उनके रिपोर्टिंग से अंदाज लगाया जा सकता है कि भारत में भी सहानुभूति जो है वो यूक्रेन की जनता के लिए है। ये बात जरूर है कि जो हमारे जो बड़े बड़े दिग्गज हैं विदेश नीति के, वो अपने शतरंज की गोटियां जोड़कर बताते हैं कि नहीं, पुतिन ने, मैंने एक सुना आज कहा कि नेटो ने एक ट्रैप बनाया था, और ये सारी गलती नेटो की है। हमने कहा ट्रैप लगाया था तो पुतिन उसमें गिर गया जाकर। तो ये लोग जो हैं, ये लोग दिग्गज लोग ये मानते हैं कि नहीं, दोष पुतिन का नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से आम जनता में जो सहानुभूति है वो यूक्रेन के प्रति है। तो अब ये परिस्थिति है कि पश्चिमी देशों को ये मौका मिल गया है कि वो
यूक्रेन की सहायता करें और रूसी सेना को सैन्य मुकाबला भी दें और साथ साथ रूस के ऊपर इतना 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 सैंक्शन, इतने प्रतिबंध लगा दें कि रूसी अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल चरमरा जाए, यही परिस्थिति। लेकिन इसी से जुड़ा आपसे एक और सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आखिर क्या वजह हुई रूस की नीति सफल नहीं हो पाई, क्या वो विजुलाइज नहीं कर पाया या इसको समझ नहीं पाया कि अगर हम ये करेंगे तो वो होगा। और आप कह रहे हैं ऊपरी हमला हो रहा है, मुझे तो लग रहा है जितना जमीनी उनको प्रतिरोध सामना करना पड़ रहा है वो तो अद्भुत है, वो क्या उसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी क्या, कहां चूक हम माने रूस की। इन दोनों ने जो लड़ाई हो रही है वो एक अलग स्तर पर है, लेकिन रूस ऐसे बड़ी पावर से कहां चूक हो रही है जो हालत ये हो गई है। पुतिन साहब भूल गए थे कि जब हिटलर ने आक्रमण किया था रूस पे, जून का महीना था, 1941 वर्ष था, और रूस हिटलर की सेना जो कि उसमें विश्व फ्रांस पूरा यूरोप जीत चुकी थी, और जब वो पहुंची, उस समय स्टालिनग्राद नाम था उसका, आजकल वोल्गोग्राद नाम है उस शहर में, तो उस शहर में गली गली में लड़ाई हुई थी और स्टालिन उस समय राष्ट्रपति था सोवियत संघ का, और रूस ने हिटलर की सेना को मात दिया था स्टालिनग्राद में, और भाई गली गली हर घर में लड़ाई हो रही थी उस समय। रूस शायद ये भूल गया है कि एक शहर में भी लड़ाई हो सकती है इस प्रकार की, कि जर्मन सेना जो थी हिटलर की बड़ी सेना नाप्सी सेना को रूस की जनता ने रोका था वोल्गोग्राद में। तो यही परिस्थिति आज खार्किव और कीव में हो गई है, यूक्रेन की जनता रूस की जो महाशक्ति है उसकी सेना को गली गली में रोकने की तैयारी कर रही है, और रूस के पास सिर्फ एक रास्ता है कि वो हवाई शक्ति से उन पर बम बरसाता रहे ताकि उनकी उनकी हिम्मत को तोड़ सके, लेकिन गली गली में लड़ने की ताकत रूस में नहीं है, क्योंकि गली गली में घुसने पर रूस के जो सैनिक हैं उन पर आक्रमण, उनकी उनके जान को खतरा होता है। और आज जो जो परिस्थिति है यूरोप में वो है कि जान की कीमत बहुत ज्यादा है, लोगों के पास ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं, एक या दो बच्चे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसे पहले था 10-12 बच्चे होते, दो चार मर गए लड़ाई में तो खास फर्क नहीं पड़ता है, आज फर्क पड़ता है। और रूसी ये जो आपने देखा होगा कि रूस का जो स्टेट टेलीविजन है उस पर एक एडिटर, एक महिला एक प्लेकार्ड लेकर के आई और टीवी पर उन्होंने दिखाया कि ये युद्ध, इसका मैं विरोध करती हूँ। इतनी हिम्मत होना कि पब्लिक ना करके एडिटर को करना, जबकि पुतिन ने अभी एक नया कानून बनाया है कि इस प्रकार के विरोध का की सजा होगी 15 वर्ष कैद, उनको तो कैद मिलेगी ही, लेकिन इतनी हिम्मत होना रूस के अंदर मॉस्को में, ये बिल्कुल दर्शाता है कि हाँ। लोगों में विरोध रूस में भी हो रहा है। जी, जो अभी खबर आई हुई थी उसमें रशियन जो वहां पर उद्घोषक थी उसके सामने पीछे थे एक पोस्टर लेकर के बकायदा आ गए, वो बात दूसरी कि अब वो जो जो जिसने ये सब काम किया था वो अभी फिलहाल लापता बताया जा रहा है। कुलदीप जी, आपने तो इस, अगर भविष्य में कहा जाएगा तो आपने तो इस युद्ध को लगभग झेला है, और झेला ही नहीं बल्कि सक्रियता के साथ पूरा काम किया है, लोगों की सहायता की है, सैनिकों की सहायता की है, यूक्रेन में आपका लगातार परिवार के साथ बना रहना अपने आप में बहुत बड़े जज्बे को दिखाता है। तो आप आज 20 दिन के बाद जैसी स्थिति है, तो इस क्या आप लोग ये महसूस कर रहे थे कि ये 20 दिन तक लड़ाई चलेगी, 20 दिन तक मामला होगा, और अब तब जब कीव में लगातार हमले बढ़ रहे हैं? देखिए, किसी ने ये नहीं सोचा था कि 20 दिन तक मुकाबला होगा, लेकिन इतना जज्बा है इन लोगों में लड़ने का। अभी देखिए, थल सेना में अगर ये अंदर आते हैं तो ये जीत नहीं पाएंगे जल्दी से। देखिए, जीत हो सकती है, हो सकता है महीना लगे, 2 महीने लगे, जैसे अभी उन्होंने बताया कि जब वर्ल्ड वार हुआ था तो घर घर से लड़ाई जो हर सड़कों पे हुई थी, अगर ये लड़ाई लंबी चल गई और उस तरीके की हुई जैसे कि पहले हुई थी, तो ये 1-2 साल में खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी जो जज्बा है, हर आदमी लड़ने को तैयार है, और दुनिया की सहानुभूति है। सहानुभूति से सिर्फ काम नहीं चलेगा, सहानुभूति से हम लोगों को चाहिए हेल्प, चाहिए उन लोगों की मदद, चाहिए कि किसी तरीके एक सोल्यूशन निकाला जाए
कि इस चीज को कैसे जल्दी से जल्दी इस वॉर को खत्म किया जाए, जिसमें ना अभी यूरोप, मतलब आज भी अभी मैं देख रहा था टीवी पे, 5 मिनट पहले की बात है, लाइव टेलीकास्ट, कुछ यूरोप के 2 प्राइम मिनिस्टर 3 आए हुए हैं यहाँ पे, जिनकी जिलेंस्की के साथ मीटिंग थी हमारे प्रेसिडेंट के साथ। अगर ये सोल्यूशन नहीं निकला तो ये वार बहुत लंबा जाएगा, जो हमारी सोच है कि 15-20 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने, आप कितने एयर स्ट्राइक करके कितने लोगों को मारोगे। लेकिन आप अंदर जब आओगे तो आपके साथ हर आदमी, औरत, आदमी सब लड़ने को तैयार बैठे हुए हैं, तो ये लड़ाई बहुत लंबी हो जाएगी। यूरोप देखिए, अमेरिका लीजिए, यूरोप लीजिए, या और दुनिया के बाकी देशों को भी लीजिए, मैं हिंदुस्तान भी बहुत बड़ा देश है हमारा, उसकी भी, कि कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे कि सोल्यूशन निकाला जाए। उन दोनों की आज तक मीटिंग नहीं हुई, ना हमारे प्रेसिडेंट की उनके साथ, ना पुतिन की हमारे प्रेसिडेंट के साथ। इन दोनों की जिस दिन मीटिंग होगी, ये सोल्यूशन तभी निकल पाएगा। बाकी लोग जितने भी मीटिंग्स करने जा रहे हैं, इन मीटिंग का कोई भी सोल्यूशन उससे नहीं निकलेगा, लड़ाई चलती रहेगी, सीज फायर नहीं होगा। सीज फायर होगा तो सीज फायर के वक्त भी गोलियां चलेंगी, सीज फायर के वक्त भी जो है बम फेंके जाएंगे। इसका सोल्यूशन बड़े देशों को बैठ के जल्दी से जल्दी निकालना होगा, नहीं तो ये बहुत विकराल रूप लेने वाला है, हमारी सोच से बाहर जाएगा ये युद्ध। हाँ, क्योंकि वही रह रहे हैं, और इस बीच में मैंने देखा है कि हम लोगों के सामने भी आपने साथ में भी बाहर दिखाया है, लोगों से बातचीत की है, खुद घूम भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो क्या हालत असलियत में कीव की है? कितना लोग डरे हुए हैं, या कितने बम आ रहे हैं, बमों की आहट कितनी है, आप लोगों को, परिवार को कितना डर लग रहा है, किस तरीके के हालात है? देखिए, डर, मेरे ख्याल से डर इतना बढ़ गया कि डर नाम की चीज इनके दिमाग से ही उतर गई है। अब डर नहीं है, अब सिर्फ उनको लड़ाई नजर आ रही है। कहते हैं जब मौत का खौफ ही खत्म हो जाए इंसान का, तो फिर डर खत्म हो जाता है। बिल्कुल खौफ नहीं है इन लोग को, ये ऐसे लड़ने को तैयार बैठे हुए हैं कि हम तो हाथ, अगर हथियार नहीं होंगे तो हाथों से मारेंगे। खौफ बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों को डर था, अपनी फैमिली को बाहर छोड़ दिया, वापिस आना शुरू हो गए हैं लोग, जो पलायन कर गए थे यहाँ से, कुछ लोगों ने वापिस आना शुरू कर दिया है। क्योंकि आज हम जो मेयर हैं, उन्होंने भी कहा कि जो लोग वापिस जा चुके हैं, यहाँ से वापिस आइए और अपनी मातृभूमि की रक्षा कीजिए। आज शाम को 8 बजे से 36 घंटे का इन्होंने कर्फ्यू लगाया है कीव में, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि बाहर से रशियन सैनिकों के आने का अंदेशा है इनको, या इनको लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, तो 36 घंटे का कर्फ्यू कुछ देर पहले आज सुबह इन्होंने लगा दिया है यहाँ पे। 8 बजे रात को शुरू होगा, जो 36 घंटे तक चलेगा, जिसको हो सकता है कि आगे और बढ़ा दिया जाए। देखिए, डर बिल्कुल नहीं है, लड़ाई के लिए तैयार है, लेकिन हर आदमी, देख, सरेंडर वाली बात नहीं आएगी, या तो कंप्रोमाइज हो। अगर ये सोचे कि हथियार फेंकेंगे, वो नहीं होगा, हथियार ये लोग नहीं फेंकेंगे, या तो मरेंगे, मारेंगे, या फिर कंप्रोमाइज हो किसी भी तरीके से। ये लोग ये नहीं कहेंगे कि हम हथियार फेंक देते हैं आपके आगे। लड़ाई बहुत लंबी जाने वाली है, ये 2, 4, 10, 20 दिन वाली लड़ाई नहीं होगी। अगर इसका कोई नतीजा निष्कर्ष पे नहीं आया कंप्रोमाइज के ऊपर, तो ये लड़ाई मेरे ख्याल से सालों में भी जा सकती है, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा हूं। क्या यूक्रेन को उम्मीद थी कि नाटो उन्हें बहुत सपोर्ट करेगा और काफी हद तक आगे आएगा, जो नहीं हो पाया, या यूरोप से उन्हें उम्मीद थी? क्योंकि फिर वही है कि आप खुद वहां स्थानीय लोगों के बीच में जब जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उनको किस तरीके की उम्मीद बहुत ज्यादा थी और देखो थे ज्यादा उम्मीद बहुत ज्यादा थी, लेकिन उस हिसाब से उनको, वो बोलते हैं हमें वो नहीं मिला जो हम चाहते थे। कुछ वेपन्स भी दिखाए जो इतने पुराने हैं, मुझे लगा शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वेपन्स होंगे उनके पास, कुछ ऐसे भी थे, बोले ये वहां से आए हैं। तो आप ये देखिए, जो इनकी उम्मीद थी उस हिसाब से कुछ नहीं हुआ। देखो, जितना पुतिन, अगर आप रिस्पॉन्सिबल समझते हो इस वॉर का, मुझे लगता है नाटो, अमेरिका और बाकी देश भी उसके साथ उतने ही रिस्पॉन्सिबल है। ये सैंक्शंस क्या करेंगे? कोई हेल्प नहीं करेंगे, सैंक्शंस हेल्प करेगा दूसरे देशों की। हमारे यहाँ तो लड़ाई चल रही है, हमारी धरती पे, रशिया की धरती पे लड़ाई नहीं चल रही, यूक्रेन की धरती पे लड़ाई चल रही है। सैंक्शन से हमें कोई फायदा नहीं होगा, बोलते हैं सैंक्शन लगेगी, जो वो कल की बातें हैं, जो उनको अंदरूनी जो नुकसान होगा वो कल की बातें हैं। आज तो हमारे लोग मर रहे हैं, उनके लोग मर रहे हैं, हमारी धरती के ऊपर जो है घर गिर रहे हैं, बम गिर रहे हैं हमारी धरती पे। हमें उसका कोई फायदा, जो मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, जो लोगों की बातें हैं जो मैं आपसे कर रहा हूँ, कि सैंक्शन के उतने फायदे नहीं है। उसका तो रिजल्ट निकलेगा कई, 1 साल लगेगा, 2, और फिर कल को सपोज करो यहाँ पे जीतने के बाद लड़ाई, या कल को
बाद में सैंक्शंस हटाई जाएंगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों सैंक्शंस तो हटा दी जाएंगी, क्योंकि दुनिया तो चलानी है ना, उसको फिर एक साइड पे कर दिया जाएगा, यूक्रेन को एक साइड पे कर दिया जाएगा। दिलीप जी, क्या जो अभी जैसा कि कुलदीप जी कह रहे हैं कि सैंक्शंस जो अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में लगाए हैं या अमेरिका अपने जो लगाए हैं, उससे क्या होगा, उससे फर्क क्या पड़ने वाला है? अभी तात्कालिक इतने दिन हो गए हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फर्क पड़ा होगा, लेकिन ये एक सांकेतिकी है या इसके आगे और क्या क्या संभावनाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या क्या रूस के खिलाफ हो सकता है, या रूस के खिलाफ होने में भी लोगों अन्य देशों को डर लग रहा है, या जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है, समझने की कोशिश की रही है, अपने इंटरेस्ट हम देख रहे हैं, हमें अपने भी इंटरेस्ट देखने होंगे, जिस तरीके से विभिन्न विश्व मंचों पर एब्सटेन होना हुआ है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच है कि प्रत्येक देश अपना हित देख रहा है और कोशिश कर रहा है कि उसके हितों को नुकसान नहीं पहुंचे। अब आपने बात की सैंक्शंस की, सैंक्शंस में अमेरिका और इंग्लैंड, ब्रिटेन ने रूस से तेल का आयात बंद कर दिया है, लेकिन यूरोप ने नहीं किया है, और यूरोप बहुत ही निर्भर है रूस के गैस के ऊपर, क्योंकि रूस के नेचुरल गैस से ही उनकी हीटिंग होती है घरों में, और अभी भी वहाँ शीत चल रही है, सर्दी का मौसम है, अभी भी गर्मी आने पर थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन फिर अगली सर्दी आ जाएगी। उस बीच में यदि ये लोग कोशिश करेंगे कि कहीं और से, अल्जीरिया से, लिबिया से और अन्य व्यवस्थाओं से नेचुरल गैस का आयात करें, ताकि वो रूस पर ये प्रतिबंध लगा सके, लेकिन आज की तारीख में उन्होंने प्रतिबंध नहीं लगाया हुआ है। जहां तक सवाल है कि सैनिक हस्तक्षेप करने का यूक्रेन में, वो बाइडेन ने कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि हम, जैसे ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हमें नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करो यूक्रेन के ऊपर, ताकि रूस की जो एयर स्ट्राइक हो रहा है उसे रोके नेटो, लेकिन बाइडेन ने कहा है कि वो करने से तृतीय महायुद्ध शुरू हो जाएगा और वो उसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये बात अमेरिका ने स्पष्ट कर दी है कि वो तृतीय महायुद्ध यूक्रेन के कारण नहीं करेगा। हाँ, ये जरूर कहा है बाइडेन ने कि यदि किसी नेटो देश पर आक्रमण हुआ तब नेटो हस्तक्षेप करेगा, और तृतीय महायुद्ध हो या ना हो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा उसमें। तो यूक्रेन के लिए अमेरिका अपनी वायुसेना का इस्तेमाल नहीं करेगा, ये बात स्पष्ट है। लड़ाई जारी रहेगी यूक्रेन में, जो थोड़ी बहुत सैन्य सहायता मिलेगी यूक्रेन को वो मिलेगी, लेकिन लड़ाई यूक्रेन को खुद करनी होगी अपनी, जैसा कुलदीप ने कहा, अपनी सुरक्षा के लिए। उसे थोड़ी बहुत जो भी सहायता मिल जाएगी, मिल पाएगी, मिलेगी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। तो ये लड़ाई यूक्रेन की ही लड़ाई है, और यूक्रेन को ही हिम्मत दिखानी होगी अपनी अपनी आजादी के लिए लड़ने की। लेकिन यूक्रेन को जिस तरीके से भरोसा दिलाया गया था, अगर वो भरोसा शायद नहीं दिया गया होता तो बात इतने आगे तक यूक्रेन क्या आपको लगता कि जाने देता, या ये दूसरा उसके आगे का एक सवाल है? अब आप संभावनाएं क्या देख रहे हैं, कहाँ रुकने की बात है, कहाँ क्या होगा आखिर, क्योंकि दुनिया को आप बहुत अच्छी तरीके से संबंधों को समझते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या होना है? क्या आज जैसे वहां पर तीन प्रधानमंत्री कीव में कोई फर्क पड़ता है, वो कोई बात को आगे बढ़ा सकते हैं, या दोनों लोग दोनों ही बहुत जल्द अड़े, क्या है मामला? देखिए, नेटो के देशों ने यूक्रेन को कितना उकसाया, वो एक बहुत कठिन, बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल, लचीलापन छोड़ करके अपनी पोजीशन पर अड़ जाए, ऐसे इस विचार वाले कई लोग हैं जो ये कहते हैं कि नेटो ने उसे उकसाया ताकि लड़ाई शुरू हो जाए और पुतिन उस ट्रैप में आके फंस गया। ये बात हो सकती है, लेकिन एक और बात भी है कि युद्ध शुरू होने के पहले जर्मनी के राष्ट्रपति शोल्स और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों दोनों मॉस्को गए थे और दोनों जाके मिले थे पुतिन से। निश्चित रूप से वो जब गए थे तो युद्ध टालने के लिए गए होंगे, न कि पुतिन को उकसाने के लिए, नहीं धमकी देने के लिए गए थे वो। तो ये कहना कि अमेरिका की नीति जो भी रही हो, लेकिन यूरोप की नीति रही है कि किसी तरीके से समझौता हो जाए, लेकिन पुतिन ने जो भी आश्वासन दिया होगा शोल्ट्स या मैक्रों को, मुझे नहीं मालूम है क्या कहा था उन्होंने, लेकिन ये बात जरूर है कि
शोल्स और माक्रों दोनों ही इस बात से निराश होंगे कि उनके प्रयास के बावजूद ये आक्रमण हुआ, पुतिन ने आक्रमण किया। यही कारण है कि जर्मनी भी अब काफी सख्त कदम उठा रहा है, जबकि जर्मनी बहुत दोस्त रहा है रूस का इसके पहले, और उसने हमेशा प्रयास किया है कि मध्यस्थ रहे अमेरिका और रूस के बीच में, लेकिन अब वो नहीं हो पाया। अमेरिका ने कितना उकसाया यूक्रेन को कहना मुश्किल है, कई लोग मानते हैं बहुत उकसाया था, लेकिन मेरे ख्याल से अगर किया भी होगा तो अमेरिका की नीति निश्चित रूप से रही है कि किसी प्रकार पुतिन को फंसाया जाए कहीं पर, क्योंकि पिछले 8-9 साल से जब से क्राइमिया को लिया था पुतिन ने, तब से अमेरिका नाराज था पुतिन से, पुतिन ने क्यों क्राइमिया को एनेक्स किया यूक्रेन से। अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल उठेंगे और लगातार उठेंगे, क्योंकि अमेरिका ने एक तरफ तो यूक्रेन को उकसाया नेटो के अलावा, लेकिन दूसरी तरफ वो जो भूमिका निभा सकता था किसी तरीके से दोनों में संबंध सामान्य करने की ओर पर या कुछ बातचीत करने को लेकर, वो नहीं करने की उसकी इच्छा ये है कि युद्ध में छुट्टी करने की नीति के साथ काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, मतलब आम आदमी भी यही सोचता है कि युद्ध तो जो अगर वो बढ़वार हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी स्थितियां दूसरी होंगी, लेकिन तनाव बनाए रखना जो है वो कथा को बेचने के लिए ही एक क्रम होता है। क्या ये इसी थ्योरी पर अभी भी दुनिया चल रही है या कुछ और थ्योरी है? थियरीज तो बहुत है, थियरीज बहुत सारे हैं कि अमेरिका ने किस प्रकार यूक्रेन को उकसाया और ताकि उसमें गतिरोध बढ़े और पुतिन उस ट्रैप में आके फंसे। ये तो बाद में मालूम होगा कि आपस में क्या बातचीत हुई थी इन लोगों में, लेकिन एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि इस प्रकार के राजनीतिक खेल तो होते रहते हैं, षड्यंत्र होते रहते हैं राजनीति में, अनेक प्रकार के षड्यंत्र होते हैं, लेकिन आक्रमण करना इस प्रकार सिविलियन क्षेत्रों पर आक्रमण करना ये एक इसकी एक सख्त मनाही है। सुरक्षा परिषद के या संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भी मनाही है और वैसे भी ये माना जाता है कि आक्रमण नहीं किया जाना चाहिए किसी देश के ऊपर, षड्यंत्र चलते रहते हैं। अब रूस ने अफगानिस्तान पर जो आक्रमण किया था उसकी सजा क्या हुई, सोवियत संघ टूट गया, 10 साल लड़ाई चली वहां पे उसके बाद। तो ऐसी परिस्थिति यूक्रेन में भी हो सकती है कि रूस को बहुत नुकसान उठाना पड़े इसके कारण, क्योंकि यदि यूक्रेन की जनता लड़ती है रूस के साथ तो अगर कीव का पतन भी हो जाता है तब भी लड़ाई जारी रहेगी और इसमें रूस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आक्रमण का। और अमेरिका के लिए तो एक बहुत ये सुनहरा अवसर मिल गया है कि रूस आकर के फंस गया है यूक्रेन में और अमेरिका रूस यूक्रेन की जनता को सहायता देगा, हथियार देगा, भले ही पुराने हथियार हों, और यूक्रेन के लोग लड़ते रहेंगे, रूस के सिपाही मरते रहेंगे जैसा अफगानिस्तान में हुआ था। तो लगभग वही परिस्थिति हो गई है, बल्कि यहां तक भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अलकायदा के लोगों को बुलाया गया है यूक्रेन में रूस का मुकाबला करने के लिए। कहां तक सच है ये? आपकी आवाज टूट रही है। हाँ, तो यही परिस्थिति हो रही है लगभग। सीरियाई लड़ाकों को 6 महीने की हायरिंग पर रखा गया है, इस तरीके की भी खबरें आ रही है। तो जिस प्रकार अफगानिस्तान में अमेरिका ने, जो कि एक इस्लामिक देश तो नहीं है लेकिन उसने इस्लामिक जिहाद एक संगठित किया रूस को सोवियत संघ को तोड़ने के लिए, उसी प्रकार का विरोध यहाँ भी कोशिश करेगा अमेरिका कि रूस पर रूस को हराने के लिए। कुलदीप जी, अब आपको क्या संभावना, कोई आशा की एक किरण दिखती है किसी संभावना की या किसी समझौते की, या ये है कि लड़ते लड़ते ही सब कुछ क्या होगा? आपको जैसे कि आप कह रहे हैं कि साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, काम नंदा लोगों का जाएगा, धीरे धीरे इकोनॉमी मतलब सपट्टा बैठ चुकेगा,
नुकसान होंगे, लोगों में मानसिक तनाव होंगे, क्या लोग सोच रहे हैं, किस हालत से गुजरना है? देखिए संभावना, मुझे संभावना बिल्कुल नहीं लग रही है, कंप्रोमाइज की अभी तक नहीं लग रही है, क्योंकि बहुत बार ये लोग मिल चुके हैं। जब तक ये युद्ध चलता रहेगा जी, अभी जब तक ये लोग आपस में बैठ के ज्यादा प्रेशर डालकर पुतिन के ऊपर उनसे ये डिसीजन, मुझे नहीं लगता कि वो अभी लड़ाई को रोकेंगे। उनकी लड़ाई चलती रहेगी और यहाँ के लोग भी, जैसे आप देखिए अफगानिस्तान में तो आज तक लड़ाई चलती है, वो धरती कभी पनप ही नहीं पाई जब जहां पर लड़ाई हुई थी। उसके बाद आप सीरिया को ले लीजिए, लीबिया को ले लीजिए, इराक को ले लीजिए, जहां जहां पर जिस भी कंट्री को यूज किया गया है, जिस तरह से आज मुझे लगता है कि यूक्रेन यूज हो रहा है, तो वो धरती तो पनपी नहीं आज तक दोबारा से। मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म करेंगे। इसको यूक्रेन को मोहरा बनाया जा रहा है। यूक्रेन के देखिए आधी तो फैमिलीज उधर है रशिया में, आधी फैमिलीज इधर है, भाई भाई की लड़ाई है आधी ये, कि उधर भी रहते हैं उनके फैमिलीज वाले, इधर भी रहते हैं। ये लड़ाई इतनी शुरू में ही इसका कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए था। ऐसा कोई भी मुझे नहीं लगता कि जिसका सोल्यूशन ना हो, ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं थी हमारे बीच में जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। अगर ये देश इंटरेस्ट लेते, या इन्होंने दिल से इंटरेस्ट नहीं लिया, अगर ये देश इंटरेस्ट लेते तो इस जगह को वहां पर इस लड़ाई को होने से पहले ही रोका जा सकता था। क्या आपने नाटो में ले लिया क्या यूक्रेन को? नहीं लिया आपने नाटो में। अभी नाटो में आने में आप इस उस जगह को वहीं के वहीं खत्म कर सकते थे कि भाई यूक्रेन नाटो में आपको लेने, जब आपने लेना ही नहीं नाटो में, तो वो नाटो वाली लड़ाई क्यों? या तो आप नाटो में ले लेते तो आज हम भी नाटो के मेंबर होते और आज रशिया के अगेंस्ट अमेरिका और पूरा यूरोप लड़ रहा होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मुझे ये लड़ाई मुझे रुकती नजर नहीं आती है अभी जल्दी से, क्योंकि ना वो झुकेंगे ना ये झुकेंगे। जी, आप इसको किस लॉजिकल एंड पे जाता हुआ देख रहे हैं, या देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? अभी कुछ संभावना आशंकाएं सब वैसे ही धूमिल है। आपकी आवाज मुझे सुन नहीं पा रहा हूँ, आपकी आवाज कट रही है। आवाज मैंने दिलीप जी से सवाल था, दिलीप जी क्या आप इसकी संभावना है कि कोई संभावना है किसी तरीके की समझौते की, या सब कुछ धूमिल सा है? अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा कुलदीप जी ने कहा कि 4-5 राउंड बातचीत के हो चुके हैं और कोई हल नहीं निकला है। यूक्रेन की सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है। पुतिन की मांग है कि वो आत्मसमर्पण करे, हथियार डाल दे, तभी सुलह हो सकती है। उसके लिए यूक्रेन तैयार नहीं है। सीज फायर की बात रूस मान नहीं रहा है बिना आत्मसमर्पण के। ऐसी परिस्थिति में अभी तो कोई संभावना नहीं लग रही है, लेकिन जैसा कि राजनीति में होता है, कई दफा लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझौता करते हैं और सीज फायर होता है, तो ये संभावना हमें तो उम्मीद करनी चाहिए कि ये हो जाए। लेकिन मेरा एक सवाल कुलदीप जी से है कि ये जो रूस का एक आरोप है, पुतिन का आरोप है कि यूक्रेन में जो रूसी भाषी लोग हैं या रूसी लोग जो हैं, रूसी मूल के जो लोग हैं, उन पर बहुत तरह के अत्याचार हो रहे थे और ये यूक्रेनियन सरकार जो है उनको परेशान कर रही थी, इसी कारण रूस को उनकी सुरक्षा के लिए आना पड़ा यूक्रेन में, ये कहां तक? देखिए बिल्कुल सच नहीं है। मैं तो खुद रशियन बोलता हूं, मुझे यूक्रेनियन 15% आती होगी, मैं रशियन बोलता हूँ। पूरा खारकव रशियन बोलता है, ओडिशा रशियन बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए खारकव में अभी भी लोकल लोग लड़ रहे हैं वहां पर जो रशियन बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उन पर कोई अत्याचार किया जा रहा था। आधी हमारी संसद है जो रशियन बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप रशियन बोलने वालों के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने तो हर जगह जाके मैं रशियन बोलता हूँ और मुझे कोई आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे बच्चे मेरे साथ रशियन में बात करते हैं, बाहर लोग मेरे दोस्त है जो यूक्रेनियन है रशियन में बात करते हैं। ऐसा तो कोई मुझे नहीं लगा ऐसा कभी भी कि उन पर अत्याचार किया जा रहा हो। देखिए लैंग्वेज की हमेशा ये रहा होगा कि चलो जी फर्स्ट आपकी लैंग्वेज यूक्रेनियन है, यूक्रेनियन में बातचीत, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पे अत्याचार किया गया हो। जिसने आप दुकान पे गए तो उसने बोला रशियन में बात मत कीजिए, आप हमसे यूक्रेनियन में बात कीजिए, ऐसा मुझे तो, मैं 26-27 सालों से हूं, मुझे तो आज तक ऐसा नहीं लगा।
मुझे लगता है ये मामला और मैं एक सेकंड और लूंगा, एक सेकंड और मैं आपका लूंगा एक सेकंड की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है मेरी वाइफ ने खड़े होकर साथ में बोला उस जगह पर आ रही है जो कि रशियन स्पीकिंग लोग हैं, जो मेन लड़ाई है उस तरफ जहां पे स्पीकिंग लोग हैं जो रशियन बोलने वाले वहां पे ज्यादा लड़ाई है। आप वेस्ट में देखिए ना जहां सब यूक्रेनियन बोलते हैं कोई लड़ाई नहीं है वहां। ओके तो मतलब ये तथ्य भी ठीक नहीं है कि यूक्रेन में रूसी भाषियों पर अत्याचार होता है, ये तथ्य नहीं, 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 नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच की जो स्थिति है वो अभी किसी को शायद जल्दी जल्दी समझ में नहीं आ रही कि कब ये युद्ध समाप्त हो सकता है, अगर मगर की इतनी संभावनाएं हैं कि अभी फिलहाल कुछ हल नजर नहीं आ रहा है, फिर प्रार्थना ही कर सकते हैं जल्दी जल्दी स्थितियां सामान्य हो और अभी देश दोनों देश कम से कम एक अपने काम धंधे में लगे, अपने अपने में विकास करें और दुनिया को भी थोड़ी राहत हो। बहुत बहुत आभार अपडेट दी और हालात के बारे में बताया, बहुत बहुत आभार कुलदीप जी और दीदी नवोदय टाइम्स पंजाब के साथ बात करने के लिए, शुक्रिया।